Good morning, everybody. My name is Ankit Badia, and welcome back to my channel. आज है संडे और संडे को हम करते हैं बहुत सारे काम. सबसे पहला काम जो मुझे करना है वो है बाइक की सर्विसिंग कराना. सर्विसिंग नहीं करानी एक्चुअली, मुझे उसको ना पूरा चेंज कराना है. इतना आवाज़ करता है ना वो बाइक, घट 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 घट, कई सारी जगह से वो ख़राब हो रखी है और मुझे बस टाइम नहीं मिल पा रहा था देने के लिए. तो सबसे पहला काम वो करना है मुझे. आज करा के रहूँगा, पता नहीं कितना खर्चा हो जाएगा आज का, बट बाइक एकदम नई हो जाएगी अगर इस खट 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 होता रहता है. और जो दूसरा टास्क करना है वो है घर को थोड़ा क्लीन करना. देख रहे हो जरा ये मैसअप हो रखा है यहाँ पे. यहाँ पे ये सामान कैसे पड़ा है, ये सामान कैसे पड़ा है, थोड़ा खिंच जाता है. एक हफ्ते में ना अगर आप कुछ करो नहीं तो खिंच जाता है थोड़ा सा सामान. उसको क्लीन करना है और भी कई सारे काम करने हैं. तो चलो शुरुआत करते हैं दिन की बिना किसी रुकावट के. आज पता है अलग ही हवा चल रही है, न सूरज है ना कुछ, एकदम वैसी वाली फीलिंग आ रही है कि मैं दिल्ली में हूँ बट अभी नवंबर का महीना है. मतलब इतनी ठंडी हवा नहीं चल रही बट बहुत तेज हवा चल रही है. देखो ये देखो, ऐसे पता चलेगा कि हवा चल रही है. बंद कर देते हैं खिड़की. अभी टाइम हो है 9:18 और मुझे बस अभी निकलना पड़ेगा 2 मिनट में, क्योंकि वहाँ पे 9:30 के बाद अगर आप जाओ बाइक लेने तो आपको सेम डे भी नहीं मिलेगी. मतलब ये प्रॉब्लम है. आधी बार तो मैं इसलिए यही नहीं जा पाया कि 9:30 कैसे पहुँचूंगा यार, बहुत सारे ये रहते हैं हमेशा. आप 9:30 तक पहुँचना है और बाइक देनी है फटाफट से, ताकि मेरे को बाइक आज ही मिल जाए. अभी ना जब मैं बाइक चलाऊँगा तो इसकी आवाज़ सुनना बस तुम. और ये देखो ये कैसे सिर्फ एक ही हैंडल है और ये भी हिला हुआ है. ये देखो ये इसकी वजह से इतनी आवाज़ होती है. ये ना मैंने टायर नए वाला लगवाया था और उसके बाद ये होने लग गया इसके बाद, तो ये पूरा चेंज करा था. ये हो गया, ये भी टूटा हुआ है. तो बहुत कमाल की बात हो गई आज, भीड़ ही नहीं है देखो, वरना ऐसे पूरा भरा होता है. ये सही टाइम पे पहुंच गए. और अपना हर दिन 9:30 वीडियो भी आ जाता है, तो मेरे को नोटिफिकेशन आ गया दूसरे वाले चैनल पे, मैं अपनी वीडियो ही देख रहा था. बाइक सर्विसिंग करानी है बट इसमें बहुत सारी चीज़ें मॉडिफिकेशन करानी है. ये ये मडगार्ड हाफ वाला है ना, आई नो मैंने मोटा वाला टायर लगवा लिया तो, पर ये हाफ वाला मडगार्ड लगा थोड़ा ऊपर हो जाएगा. वो पॉसिबल है कुछ, क्योंकि आवाज़ कर रहा है. फिटिंग कर ली तो अगर शॉर्ट मडगार्ड फिटिंग करते हो ना तो जो है थोड़ा सा ये हिलेगा भी बंद हो जाएगा, मतलब ये निकल ही जाएगा और टच होने का जो प्रोसेस वो खत्म हो जाएगा. यहाँ का जो ओरिजिन उनको आता है ना वो वाला रहेगा तो लगा देंगे, अदरवाइज इसको निकाल के आपको दे देंगे. इसको निकाल के तो बहुत ख़राब नहीं लगेगी भाई, या ठीक लगेगी? लोग करवाते हैं इसे, करवाते हैं ना लोग, करवाते हैं इसे. ठीक है, तो ये तो निकाल दो क्योंकि इसकी वजह से ना बहुत आवाज़ आ रही है. और ये भी चेंज कर दो. ठीक है, और मतलब ये बाइक को नया हो सकता है ये बिल्कुल ऐसे, मतलब बोल रहे थे लास्ट टाइम कुछ अलग से कोटिंग आती है, वो कोटिंग करना पड़ता है, पर कोटिंग का जो प्रोसेस है अभी फिलहाल में अपने पास बंद है. अच्छा बंद है अभी जी. तो कितने लगते हैं कोटिंग में? कोटिंग मिलेगा 500 रुपीज़. अच्छा 500, तो 500 पूरी नहीं हो जाएगी भाई? नहीं होगी. वाह ठीक है, तो वो तो है नहीं अभी आपके पास? नहीं है. ओके, तो ये दूसरा ये नहीं है यहाँ पे, इसका ये चेंज करो, ये नया लगवाना है. और वो टूटा हुआ है कुछ तो, पता नहीं, देख लेना शायद ये हिल रहा है थोड़ा, मतलब ये फिट हो जाएगा. ये फिट हो जाएगा, इस पर नया लगा देना. ये वाला पार्ट ये नहीं, ये मिरर. हाँ ये मिरर नया लगवा देना. ये लाइट भी फूटी हुई है, टेल लाइट का ग्लास. और क्या है बाइक में प्रॉब्लम? बस यही प्रॉब्लम थी, आवाज़ बहुत आ रही थी निकल कट 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 कर जिसके से. और तो सब ठीक है. ये जाम हो रहा है? हाँ ये जाम हो रहा है. इसका जो केबल है वो केबल हार्ड हो गया, वो केबल रिप्लेस करना पड़ेगा. ठीक है, ये भी कर दो, ये भी कर दो. मैंने उनको बाइक दी अपनी चलाने के लिए, देखने के लिए कि कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं है. क्या पता उनको कुछ अच्छा पता चल जाए, कुछ और प्रॉब्लम हो तो देखना आवाज़ कितनी आएगी. इसका हैंडल भी क्रॉस है. कौन सा हैंडल? हाँ हैंडल जो है ना क्रॉस है, एक्सीडेंट हुआ था कुछ. हाँ ये तो 2 साल पहले हुआ था. और हैंडल का रॉड ये वो चेंज कर, तब से ऐसे ही ड्राइव कर रहा हूँ. वैसे प्रॉब्लम तो नहीं हुई मुझे कभी. बाइक तो दे दी, अब यहाँ से मुझे ऑटो ढूंढना पड़ेगा
तो कसम से अभी मैं बाइक चला रहा था ना, इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी मुझे बाइक पे। मैं सोच रहा था यहाँ तो फिर भी टेम्परेचर ठीक है, मतलब देखता हूँ एक बार टेम्परेचर कितना है यहाँ का। पुणे का वेदर 21 डिग्री है, मुझे ठंड लग रही थी। मैं सोच रहा हूँ यार नॉर्थ साइड वालों की क्या हालत होगी, दिल्ली साइड जो रहते हैं लोग क्या हालत होगी उनकी जो बाइक चला रहे होंगे। ऑटो बुक कर लेते हैं। ओके आई लाइक माई सोसाइटी। मुझे एक बात बताओ कि मुझे बाल कटाने चाहिए कि नहीं कटाने चाहिए, मुझे ना बड़े परेशान करते हैं बाल। ओके पहुंच गए यार। पता मैं भी सोच रहा था कि साला छुट्टी वाले दिन पता नहीं क्या होता है कि मैं ना सुबह जल्दी उठ नहीं पाता। जैसे मैंने अपना सुरूर बिठाया था कि लास्ट वीक रोज़ सुबह 7 बजे उठूंगा, मैं उठ रहा था। जैसे जैसे मुझे ऑफिस जाना रहता ना, मैं प्रॉपर डाइट सब फॉलो करता हूँ एकदम। जैसे वीकेंड आता है मेरी हालत ख़राब हो जाती है। अभी 10:30 हो चुके हैं और अभी मैं जिम जाऊंगा। अब आज मिस नहीं करूंगा, कल ना मेरी मिस हो गई थी। कल मैं शाम को जाने वाला था पर शाम को कई सारा काम था तो मैं जा नहीं पाया। अभी जाऊंगा जिम क्योंकि अपन ने आज फिर डाइट फॉलो करनी है। एक दिन मिस हो गई कोई नहीं, वीक में एक दिन मिस हो गई चलता है, डेली डेली नहीं चलेगा बाबू। ठीक है अभी हम जिम जाएगा, अपन जिम जाएगा, अपन बनाएगा बॉडी। आज ना मैं बाल बांध के जाऊंगा, वो रोज जाओ ना जिम में वो कैप पहन के वो निकल जाता है, रणवीर सिंह की तरह बना लो हैं ऐसे खड़ी है टोपी और एक नीचे से बांध देता हूँ है ना देखो। चेंज जरूरी है इसलिए अपन कर रहा है। हाँ अब अपन रेडी है जिम जाने के लिए। जिम जाना जिम पर। ओके जिम में पहुंच गए हैं और फिर यहाँ पे कोई नहीं है, छोटी सी जिम है एक्चुअली। यहाँ पे सारी चीज़ें हैं जो मुझे एक्सरसाइज के लिए चाहिए, मतलब यहाँ से सारे के सारे डंबल्स हैं, ये पुलअप्स करने के लिए है और वहाँ पे वो चेस्ट करने के लिए है, यहाँ पे रनिंग करने के लिए है, बट और नहीं है जो मुझे चाहिए। लाइक बैक के लिए चाहिए रहती है, बाइसेप्स के लिए और सारी भी चाहिए रहती है, वो है नहीं यहाँ पे। और यहाँ पे काफ़ी बोरिंग भी लगता है मुझे अकेले। जिम हो गई, आज मैं काफ़ी पम्प्ड अप था, मज़ा आ गया आज तो। बहुत सारे नए लोगों ने भी सब्सक्राइब किया, उन सब लोगों को थैंक यू। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो तो प्लीज़ बेल नोटिफिकेशन भी ज़रूर दबाना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज़ आपको पता चलेगा कि अगली वीडियो कब आएगी। वैसे तो अगली वीडियो हर दिन सुबह 9:30 आएगी अगले दिन। पूरा खाना पेल दो आज अच्छे से। गाइज आई वॉज जस्ट एडिटिंग माई फोटो फॉर इंस्टाग्राम टूडे टू शेयर दैट आई हैव क्रिएटेड अ न्यू चैनल। और मैं अपनी फोटो सारी नाउ ए डेज एडिट ऑन लाइट रूम, मैंने सोचा कि शेयर कर दूँ आपके साथ। देखो मोबाइल में एडिट करता हूँ मैं सारी की सारी। देखो ये फोटो है, ये रॉ थी, ये आफ्टर एडिट। अब तुम इंस्टाग्राम पर देख लेना ये फोटो कैसी दिख रही है, बट सारी मोबाइल में एडिट करता हूँ। तो मैंने पहले क्या किया होता कि मैं फ़ोटोशॉप में प्रीसेट बनाए हुए थे अपने, मतलब फ़ोटोशॉप रॉ में मैं एडिट करता था। वही सेम चीज़ मैंने देख लिया कैसे कैसे करना है, बिकॉज फ़ोटोशॉप रॉ लाइट रूम और मोबाइल में जो फोटो एडिट करते हो लाइट रूम सब सेम है, तो मैंने वही सेटिंग सेम सेट कर दी और एग्जैक्टली सेम बिहेवियर आता है मुझे ये है। ओके रेडी हो गए हैं, लाइट वगैरह बंद कर देते हैं। एक्चुअली पता है क्या हुआ, आज पूरा दिन ना मेरा एडिटिंग में ही चला गया और अभी रात हो गई है, 9 बज चुके हैं और अभी मैं बाहर डिनर करने के लिए जा रहा हूँ। तो प्रॉब्लम ये हुई कि जो मैंने सुबह बाइक दी थी ना, आज उनका ना कॉल आया मेरे पास और ना मैंने उन्हें कॉल किया कि बाइक रेडी हुई कि नहीं। तो मुझे पता नहीं कि मतलब मेरी बाइक सर्विसिंग हुई नहीं हुई है। ओके बंद हो गया है सारा, अभी चलते हैं, बाइक तो है नहीं तो हम जाएंगे स्कूटी पे। आज संडे है, कल से नया वीक स्टार्ट होगा, तो आज एक डिनर करने जाते हैं बाहर, थोड़ा अच्छा सा माहौल, कल से एकदम फ्रेश स्टार्ट अगेन। हाय हाय। हमारी सोसाइटी ना रात में बड़ी मस्त दिखती है, पता नहीं गोपरों में दिख रही नहीं होगी। देखो
यहाँ पे वॉक करने में अलग ही मज़ा आता है। अभी मैं वेट कर रहा हूँ, काफ़ी देर हो गई वेट करते करते, तो आ गई फाइनली। देयर शी इज, हाय। अरे लेट नहीं हो गई तुम? एक्सक्यूज मी, काफ़ी देर इंतज़ार कराया तुमने। अच्छा, आप बाइक बनाने दो और हम आपको घर पे लेने आए और आपसे 5 मिनट वेट ही नहीं होता। अरे तो क्या हो गया यार, बाइक आ गई तो लेने। हाँ तो मतलब क्या, मीनिंग तो 5 मिनट की हुई ना लेट, ऐसा भी क्या है? अच्छा ठीक है, चलो आधे आधे घंटे लेट। ओहो कित, अरे हाँ? अब हमें ही चलानी पड़ेगी। फाइनली चलो, जैकेट तो लेके आई है, तो पहन के आती ना जैकेट। अरे उस टाइम पे मेरे को लगा नहीं था, अभी मेरे को ठंड लग रही है, अभी चलाई ना तो पता चला बहुत ठंड है। ओके चलो बैठो, प्यास जला लेना ठीक है, एक ही गाड़ी है मेरे पास। तो हर किसी को एक ही गाड़ी होती है? नहीं मैं कुछ ज्यादा गरीब हूँ ना, मैं वापस नहीं ले सकती। ये बात तो सही है वैसे। अच्छा चल थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे, यहाँ पे नाचोस बहुत टेस्टी मिलते हैं। उसी के लिए मैं आई हूँ, तुमने बताया था चिकन नाचोस। हाँ चिकन नाचोस मस्त मिलते हैं यहाँ पे। थोड़ा गीला गीला लग रहा है। उस दिन पता है हम आए थे ना यहाँ पे, फुल था फ्राइडे को। फ्राइडे को आज थोड़ा खाली है, संडे भी है। संडे हाँ, यूजुअली क्राउड फ्राइडे और सैटरडे को होती है। इस सारे का डेट पे आके कैसा लग रहा है तुम्हें? एक सेकेंड, ये डेट है? क्यों नहीं है, डेट है। बिल मैं पे करने वाला ना? हाँ बिल तुम पे करने वाले, बिकॉज़ तुम्हारी बारी है। अच्छा। I mean, you are supposed to do it, but डेट नहीं है, ये डेट कब हुई? इतना क्यों तैयार हो गया यो? मैं ऐसी में दिखती हूँ, I'm a natural beauty, मैं सुंदर दिखती हूँ, any chance? थोड़ा बहुत चलता है ठीक है, ये सब भी क्या किया थोड़ा सा। अच्छा तो क्या खाना पसंद करेंगे? डेट ऐसे बंटन के आया हूँ ना मैं। तुम बंटन के आए हो? और दोस्त नहीं आए ना, सिर्फ दो ही लोग हैं, इसलिए वो सारे दोस्त ही ना। दोस्त भी जाते हैं, दो लोग तो डेट पे जाते हैं ना, दो लोग तो डेट पे जाते हैं, एक लड़का लड़की डेट पे जाएंगे। नाइस लॉजिक, वेरी नाइस लॉजिक। ऐसे होते में तो कोई लड़का लड़की दोस्त आ ही नहीं सकते, ऐसा है क्या? यहां बैठ जाओ। सो वी हैव डिसाइडेड टू चेंज द प्लेस, आई गेस। हां इट लुक्स गुड, ये अच्छी जगह लग रही, तो हम यहाँ पे बैठ गए है ना। अच्छी जगह तो है, नाइस। बहुत टाइम के बाद वाइन, वरना मैं पीती नहीं हूँ वैसे, प्लीज। अच्छा ऑब्वियसली मुझे पता है। वाओ दिस लुक्स नाइस। मैं भी टेस्ट कर लेता हूँ वाइन। तुमने डिलीट क्यों की फोटो? यहाँ के चिकन नाचो ना बहुत टेस्टी होते हैं। मदारी में, बालीवाड़ी में जगह है, अगर आप यहाँ आसपास रहते हो तो ज़रूर आना, बहुत टेस्टी लगते हैं यहाँ के नाचोस। अच्छा तो तुम मुझे यही बोल रहे थे ना, इसी के बारे में बोल रहे थे, सो फाइनली आई एम ट्राइंग दिस। मैंने कभी विच चिकन, विच चिकन? हाँ लेट मी जस्ट ट्राई। नाइस ना? गुड, इट्स गुड, रियली गुड। और ये और अच्छा लग रहा है, क्योंकि भूख लगी मुझे। Try gonna know. That's mine. Yeah, it's yours. Okay, हमने order किया है soup. Chicken soup कैसा है? ठंड है इसलिए मैंने soup order करा है। Soup. और मैंने ये sweet potato, पता नहीं मुझे लगा वैसे वाले आएंगे potato. मोटे वाले ना? हाँ. ये chips type है. ये chips type दे दिया मैंने. तो जो मैंने मंगाया था ये पोटैटो वाला, ये तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया था, तो अभी मैंने ये मंगाया है फाइनली, पनीर कुछ अच्छा, पनीर टिक्का, पनीर टिक्का मेन प्रोटीन। अच्छा दिस इज लाइक प्रॉपर टिक्का टाइप, वेरी कोल्ड। हां अभी थोड़ी कोल्ड हो गई है। अभी नहीं, काफी टाइम से अभी बढ़ गई है। कैसी है फोटो? ये अच्छी है, एक होना चाहिए ना फोटो से। ओके गाइस, व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको व्लॉग पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके बताना कि कैसा लगा, और फ्यूचर वीडियोस के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करना।
और बेल नोटिफिकेशन आइकन ज़रूर दबाना, वरना आपको पता नहीं चलेगा कि अगली वीडियो कब आएगी, जो कि अगली वीडियो अगले दिन ही आएगी 9:30 बजे। तो बेल नोटिफिकेशन आइकन ज़रूर दबाना। इसी के साथ आपको मिलूंगा अगले दिन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू, धन्यवाद, बाय बाय।